हरे कृष्णा सर्वप्रथम दीक्षा गुरु पाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमशील भक्ति वेदांशील नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में तत्पश्चात शिक्षा गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमशील एसी भक्ति वेदांशील स्वामी प्रभुपाद जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। शीला गुरुदेव की हेतु की कृपा से जिस स्थान पर आज हम आकर उपस्थित हुए हैं इस स्थान का नाम है राधा कुंड। इधर की कथा ऐसी है, जब भगवान श्री कृष्ण ने अरिष्टासुर का वध किया, अरिष्टासुर कौन था, एक असुर था जो बैल का रूप धारण करके आया था। अब अरिष्टासुर का वध करने के बाद जब ठाकुर जी गोपियों से मिलने के लिए आए तो गोपियों ने कृष्ण को बोला नहीं नहीं तुम हमें स्पर्श नहीं कर सकते क्योंकि तुमने गौ हत्या करी है तो तुम्हें गौ हत्या का पाप लगेगा। तो भगवान बोले अरे तुम बड़ी भोली हो गोपियाँ, वो अरिष्टासुर बैल जो था वो बैल सोड़ी ना था, वो तो बैल का रूप धारण करके आया था, था तो वो असुर ना। तो गोपियाँ बोली देखो भैया जैसा भी था बैल का रूप तो धारण किया था, तो बैल को मारने के कारण तुम्हें तो भैया अब पाप स्पर्श कर चुका है, किसका, गौ हत्या का। अब तुम हमें स्पर्श मत करना क्योंकि तुम हमें स्पर्श करोगे तो हमें भी पाप स्पर्श कर जाएगा, हास परिहास कर रहे हैं। तो ठाकुर जी बोले अरे ये कौन सी बात हुई। गोपियाँ बोली हाँ भैया यही बात है, अब हम तुमसे बात नहीं करेंगी, पहले जाओ प्रायश्चित करके आओ। तो ठाकुर जी बोले कैसे प्रायश्चित करके आऊँ। तो गोपियों ने बोला हाँ प्रायश्चित करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप भारत के जितने भी तीर्थ हैं सारे तीर्थों में स्नान करके आओ तब आपका प्रायश्चित होगा। ठाकुर जी बोले बस इतनी सी बात, सारे तीर्थों में स्नान ही करना है ना, सो मैं यही कर लेता हूँ। तो भगवान कृष्ण ने क्या किया, अपनी एड़ी से, अपने चरणों की एड़ी से एक कुंड खोदा जिसका नाम है कृष्ण कुंड। उस कुंड को खोद के जितने भी भारत में तीर्थ हैं सारे तीर्थों को आवाहन किया और सारे के सारे तीर्थ जल लेके अपना प्रभु की सेवा के लिए आ गए। बोले क्या सेवा है। ठाकुर जी बोले मैं तुम सब में स्नान करना चाहता हूँ इसलिए अपना सारा का सारा जल इस कुंड में डाल दो। तो जिस कुंड में सारा का सारा जल सारे तीर्थ आके प्रकटित हुए वो है कृष्ण कुंड। उसके बाद कृष्ण ने वहाँ पे स्नान किया। अब जब स्नान किया तो सारे सखाओं ने भी स्नान किया। अब सारे सखा बोलने लगे देखो हमारे ठाकुर जी ने तो खुद ही कुंड बना दिया कृष्ण कुंड। अब गोपियाँ सोच रही है कि भैया कृष्ण ने तो अपना कुंड बना दिया, हमारा भी तो कोई कुंड होना चाहिए। तो सबने राधा जी को बोला। तो राधा जी ने क्या किया, अपनी सारी सखियों को लेके, अपनी सारी दासियों को लेके, जो गोपियाँ अपने हाथ में कंगन पहनती हैं, सब गोपियों ने अपने कंगन उतारे और कंगन से एक कुंड खोदना शुरू किया। अब खोदते 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 इस कुंड को जब सारी गोपियों ने खोदा तो इसका नाम हो गया राधा कुंड। अब जब ये कुंड तो कुंड अब जब सब गोपियों ने इस कुंड को खोद तो दिया लेकिन इसमें देखा तो कोई जल ही नहीं है। तो कृष्ण के सखा ताली मार के हंसने लगे, देखो 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 गोपियों के कुंड में तो कोई जल ही नहीं है। तो कृष्ण ने बोला कुछ नहीं होता, घबराती क्यों हो गोपियों, तुम मेरे कुंड से जितना जल लेना चाहो ले सकती हो। तो अब यहाँ पे स्वाभिमान की बात आ गई। गोपियाँ बोली नहीं नहीं हमें तुम्हारे कुंड के जल की आवश्यकता नहीं है, वरना पूरा जीवन सुनाते रहोगे कि कृष्ण कुंड से जल लिया था, हम तो चली मानसी गंगा से जल लेने के लिए। तो सब गोपियों ने अपने सर पे मटके रखे और यहाँ से मानसी गंगा चलने लगी जल लेने के लिए। तो जितने भी तीर्थ थे सारे के सारे तीर्थों को ठाकुर जी ने बुलाया, बोले सारी गोपियाँ जा रही है मानसी गंगा जल लेने के लिए, तुम सब के सब राधा जी की सेवा करो और मार्ग में ही जाके उनसे प्रार्थना करो। तो सारे के सारे तीर्थ राधा जी के पास आए, जब वो मानसी गंगा जा रही थी रास्ते में उनके चरणों में प्रणाम करके बोले हे राधे आप तो बड़ी करुणामयी हो, कृपा करके हमारी सेवा ग्रहण कीजो और हमें सेवा का अवसर दीजो। राधा जी ने उन तीर्थों पर कृपा करी और उसके बाद जितने भी तीर्थ थे उन सारे तीर्थों ने अपना जल यहाँ पे डाल दिया। तो ये राधा कुंड है और उसके साथ में श्याम कुंड है, बीच में संगम का स्थान है जहाँ पे राधा कुंड और श्याम कुंड का संगम होता है। और यहाँ ये जो राधा कुंड है, हमारे चैतन्य महाप्रभु ने ब्रज के जितने भी स्थान हैं उन स्थानों को छठ गोस्वामियों के माध्यम से प्रकाशित किया। चैतन्य महाप्रभु के आने से पहले माधवेंद्रपुरी पाद भी यहाँ पे आए, लोकनाथ दास गोस्वामी भी आए, भूगर्भ गोस्वामी भी आए, लेकिन किसी भी भक्त ने राधा कुंड और श्याम कुंड को प्रकाशित नहीं किया। ये राधा कुंड इतना ऊंचा स्थान है जिस स्थान को साक्षात श्रीमन चैतन्य महाप्रभु ने खुद ही प्रकटित किया। जब चैतन्य महाप्रभु अपनी लीला में वृंदावन धाम आए, इस स्थान का उस समय नाम था आरीट ग्राम। आरीट ग्राम क्यों, क्योंकि अरिष्टासुर का वध करने के कारण इसका नाम हुआ आरीट ग्राम। तो महाप्रभु ने यहाँ पे आके यहाँ के जो स्थानीय ब्रजवासी थे उनसे पूछा कि ये स्थान का नाम क्या है, तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे दो खेत हैं। उन ब्रजवासियों ने बोला महाप्रभु को कि यहाँ पे दो खेत हैं, एक का नाम है गोरी खेत, एक का नाम है काली खेत। उस समय उस खेत में बहुत कम कम जल था। तो महाप्रभु ने बोला नहीं, ये काली खेत और ये गोरी खेत नहीं, ये राधा कुंड और श्याम कुंड है। कृष्ण लीला के समय ये जो राधा कुंड और श्याम कुंड है उसके जो बीच का स्थान है उसको योगपीठ बोलते थे, वो था योगपीठ।
यहाँ पे बड़े आसपास सुंदर चंपक के वृक्ष थे और चंपक के वृक्ष की लताओं पे बड़े ही सुंदर सुंदर यहाँ पे झूले लटक रहे थे जिसके ऊपर राधा कृष्ण का झूलन लीला होती थी। और यहाँ पे आसपास बड़े ही सुंदर सुंदर आसन हैं, वो आसन किसके बने हुए हैं, स्वर्ण के और मणियों के आसन बने हैं जिन आसन के ऊपर बैठ के राधा कृष्ण की बड़ी सुंदर सेवा होती है। और इसी राधा कुंड के आसपास राधा कुंड की जो 8 सखियाँ हैं, ललिता, विशाखा, तुंग देवी, सुदेवी, चंपकलता, उन सारी 8 सखियों के आसपास यहाँ पे 8 कुंड और हैं जो अभी अदृश्य हैं, लुप्त हो चुके हैं। तो इन 8 कुंडों के बीच में है राधा कुंड और राधा कुंड के बिल्कुल ही बीच में किसका कुंड है, राधा जी की जो छोटी बहन है जिनका नाम है अनंग मंजरी। तो अनंग मंजरी का जो कुंड है वो बिल्कुल राधा कुंड के मध्य में स्थित है जो अभी लुप्त हो चुके हैं। तो यहाँ पे भगवान की बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं हुई हैं, यहाँ पे बड़े सुंदर सुंदर मयूर होते थे जो बड़ा ही केका केका की ध्वनि करते थे। और इसी राधा कुंड की महिमा को हमारे श्रील रूप गोस्वामी जी वर्णन करते हैं उपदेशामृत में। क्या कहते हैं श्रीमन रूप गोस्वामी, कहते हैं वैकुंठा जानी तो वरा मधुपुरी तत्रापि रासो तो स्वाद वृंदा अरण्यम उदारपणी रमृत तत्रापि गोवर्धन, कह रहे उदारपणी रमृत तत्रापि गोवर्धन राधा कुंडम ई अपि गोकुल पते प्रेम अमृत अप्लवनात् कुर्रत अस्य विराजतो गिरितटम सेवम विवेकी न कह। श्रील रूप गोस्वामी जी कह रहे हैं वैकुंठा जानी तो वरा मधुपुरी, वैकुंठ से भी श्रेष्ठ है मथुरा। क्यों? क्योंकि मथुरा में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ है, वैकुंठ में भगवान ने जन्म ग्रहण नहीं किया, वैकुंठ में भगवान कृष्ण के माता पिता नहीं है। कह रहे वैकुंठ से श्रेष्ठ क्या है, कह रहे वैकुंठ से श्रेष्ठ है मथुरा, मथुरा से श्रेष्ठ क्या है, मथुरा से श्रेष्ठ है वृंदावन। क्यों? वृंदावन मथुरा से श्रेष्ठ इसलिए है क्योंकि वहाँ पे भगवान ने रासलीला करी है। बताया वृंदावन से श्रेष्ठ क्या है, वृंदावन से श्रेष्ठ है श्रीमान गोवर्धन। गोवर्धन क्यों? क्योंकि गोवर्धन पे भगवान ने और भी गोपनीय लीलाएं करी है, गोवर्धन के तट पे रह के भगवान ने बसंती रास किया है जो बसंती रास अन्य किसी स्थान पे नहीं किया, इसलिए गोवर्धन उससे भी श्रेष्ठ है। गोवर्धन से श्रेष्ठ क्या है, बोले गोवर्धन से श्रेष्ठ है राधा कुंड। क्यों? क्योंकि साक्षात राधा कुंड जो है साक्षात राधा राधा जी का ही स्वरूप है। गोकुल पते प्रेम अमृत अप्लवनात्, साक्षात ये प्रेम स्वरूप है राधा जी का राधा कुंड जो कि उस प्रेम को दान कर सकता है। तो इसलिए राधा कुंड की जो महिमा है वो सबसे ज़्यादा गाई है। जिस प्रकार से राधा प्रिय है उसी प्रकार से ये कुंड भी विष्णु जी को उतना ही प्रिय है। यथा राधा प्रिय विष्णु तस्य कुंडम प्रिय तथा सर्व गोपीशु सेविका विष्णु अत्यंत वल्लभा, कि सारी गोपियों में से राधा जी कृष्ण को सबसे प्रिय है और उसी प्रकार ये कुंड भी राधा जी का कृष्ण को उतना ही प्रिय है। तो हमारे जितने भी गोस्वामी वर्ग हुए हैं उन्होंने राधा कुंड का आश्रय ग्रहण किया है। कहते हैं राधा कुंड की महिमा का तो कहना ही क्या, अघ्रीपुर अपि यत्नाद देव्या प्रसाद प्रसर कृत कटाक्ष प्राप्ति काम प्राकमम, साक्षात कृष्ण भी राधा जी की कृपा कटाक्ष को प्राप्त करने के लिए, राधा जी की कृपा को प्राप्त करने के लिए कृष्ण भी क्या करते हैं, इसी कुंड में आके स्नान करते हैं। तो सोचो वो राधा कुंड विष्णु को कितना प्रिय होगा, भगवान कृष्ण को, कि जो कृष्ण भी राधा जी की प्राप्ति के लिए क्या करते हैं, इस राधा कुंड में स्नान करते हैं कि राधा जी का मुझे कृपा कटाक्ष प्राप्त हो। राधा कुंड की महिमा में श्री रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं, हमारे गुरुदेव ने इसको वर्णन किया है ब्रजमंडल परिक्रमा में, कि राधा कुंड की महिमा ऐसी है, वृंदावन जहाँ पे भगवान ने रास किया, गोवर्धन जहाँ पे भगवान ने रास किया, ब्रज के जितने भी स्थान हैं उन सारे स्थानों की महिमा को अगर कोटि गुणा कर दिया जाए, वो कोटि गुणा महिमा भी राधा कुंड के अंश का भी लेश मात्र को स्पर्श नहीं कर सकते। तो राधा कुंड की ऐसी महिमा है, पूरे ब्रज में जो सबसे ऊंचा स्थान है वो कौन सा है, श्रीमन राधा कुंड। तो हम यह राधा कुंड में राधा जी से प्रार्थना करते हैं, क्या प्रार्थना करते हैं, हमारी ये प्रार्थना है, तू अगण माजे अमारे गणी किंकरी करिया राखे आपनी, क्या प्रार्थना करते हैं, कहते हैं तू अगण माजे अमारे गणी, अपने गणों में राधा जी आपके जितने भी गण हैं अनेकों अनेकों गण हैं, तुआ गण माजे अमारे गणी, अपने गणों के अंदर मेरी भी गिनती कर लो और क्या करो, किंकरी करिया राखे अपनी। और इतना ही बोल के वाणी को विश्राम देते हैं। गौर प्रेमानंदे हरी हरी बोल। इस ब्रजमंडल परिक्रमा के कार्यक्रम को प्रारंभ करने की प्रेरणा हमें श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी की कृपा से प्राप्त हुई। श्रील नारायण महाराज जी विश्व प्रसिद्ध इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्रील भक्ति वेदांत स्वामी महाराज के अति प्रिय शिक्षा शिष्य एवं प्रिय बंधु थे। इन्होंने केवल भारत में ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व में ब्रज की महिमा एवं श्री राधा कृष्ण की उत्तमा भक्ति का प्रचार किया
जिसके लिए इन्होंने 32 बार विश्व भ्रमण भी किया। इन्होंने प्रतिवर्ष संपूर्ण विश्व के श्रद्धालु भक्तों को एकत्रित कर कार्तिक मास में 84 कोस ब्रजमंडल परिक्रमा का प्रारंभ कराया एवं 100 से अधिक गौड़ीय ग्रंथों का प्रकाशन भी किया। भक्ति जगत में इन सब योगदान के कारण ब्रज के विद्वानों एवं संतों के द्वारा श्रील महाराज जी को युगाचार्य की उपाधि भी प्रदान की।